ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। दोपहर 1 बजे तक मुंबई सीटों के ये चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई उत्तर से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये 1 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है वो बता रहे हैं बीजेपी के पीयूष गोयल 1,71,000 वोटों से इस वक्त आगे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के उज्ज्वल निकम 56,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये मुंबई की लोकसभा सीटों का जो अपडेट सामने आया है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना यानी कि उद्धव गुट इस वक्त आगे है। संजय पाटिल 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना इस वक्त आगे चल रही है। ये मुंबई की लोकसभा सीटों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। रविंद्र वायकर 2,600 वोटों से इस वक्त आगे हैं। वहीं मुंबई साउथ से शिवसेना उद्धव गुट इस वक्त आगे चल रहा है। ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। अरविंद सावंत 57,200 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल में शिवसेना यानी कि उद्धव गुट आगे चल रहा है। ये बड़ा अपडेट मुंबई की लोकसभा सीटों से आपको बता रहे हैं। अनिल दोसाई 21,200 से ज्यादा वोटों से इस वक्त बढ़त के साथ आगे बढ़ गए हैं। दोपहर 1 बजे तक के मुंबई सीटों के ये चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। मुंबई उत्तर से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और दोपहर 1 बजे तक का जो रुझान सामने आया है, जो मतदान परिणाम सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी के उज्ज्वल निकम 56,000 वोटों से इस वक्त बढ़त के साथ आगे हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना उद्धव गुट इस वक्त आगे हैं। वहीं संजय पाटिल 20,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर बता रहे हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना इस वक्त आगे चल रही है। रविंद्र वायकर 2,600 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। ये मुंबई की लोकसभा सीटों का मतदान परिणाम 1 बजे तक का आपको बता रहे हैं। मुंबई साउथ से शिवसेना यानी कि उद्धव गुट इस वक्त आगे है। अरविंद सावंत 57,200 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल में शिवसेना उद्धव गुट इस वक्त आगे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ स्टेटेड मंगला वागी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला, लगातार अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो मतगणना लगातार जारी है, और अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो बीजेपी का किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जो विपक्ष है वो किस तरीके से चुनावी जो माहौल है उसमें स्थिति को बनाता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे पहली जीत मिली है। जी, पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है, जो उत्तर मुंबई से लड़ रहे हैं, वो जीत चुके हैं। अभी ये सबसे पहली जीत है बीजेपी को महाराष्ट्र और मुंबई से। मुंबई में उत्तर पश्चिम में एडवोकेट उज्ज्वल निकम अभी आगे चल रहे हैं। दक्षिण मुंबई में ठाकरे गुट के उम्मीदवार अरविंद सावंत अभी आगे चल रहे हैं। दक्षिण मध्य में अनिल देसाई भी अभी आगे चल रहे हैं और राहुल सेवाले को मात दे सकते हैं। उत्तर पूर्व मुंबई में ठाकरे गुट के संजय दीना पाटिल भी मिहिर कोटेजा से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व मुंबई बीजेपी का घर रह चुका है। 2009 में भी संजय दीना पाटिल यहाँ से उत्तर पूर्व मुंबई से चुन कर आए थे। जी, 2014 और 2019 में ये उत्तर पूर्व मुंबई की सीट बीजेपी के खमे में चली गई, लेकिन अभी यहाँ पर संजय दीना पाटिल को बढ़त मिल चुकी है। वही मंगला, अगर बात करें जिस तरीके से 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें किस तरीके का परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना में भी दो फाड़ देखने को मिला था, उसके बाद एनसीपी में भी जिस तरीके से उलट फेर हुआ, उसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, किस तरीके का प्रभाव इस बार देखने को मिल रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है अभी भारती पवार, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, सुनील, सुधीर मुंडनवार, ये पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले पंकजा मुंडे आगे चल रही थी, अभी वो पिछाड़ी पर है, वो पीछे चल रही है। महाराष्ट्र में
जो अभी का सीनियर है महाविकास आघाड़ी है, जो उसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे है और शरद पवार की एनसीपी है, वो अभी उनको 27 मिल रही है और महायुति को बीजेपी गुट के शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जी इनको 20 सीटें मिल रही है। अभी तक सीनियर हुए है बहुत सारे जो ठाकरेगढ़ के उम्मीदवार है, ठाकरेगढ़ के उम्मीदवार 10 उम्मीदवार को लीड मिल रही है। ठीक है मंगला, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी मुंबई उत्तर से बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है, पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है, ये कितना अहम हो सकता है बीजेपी के लिए? या और अगर सीटों की बात करें तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किन किन सीटों पर सत्ता पर काबिज हो सकती है? देखिए मैं आप बताते हैं, बीजेपी के लिए बहुत अहम है आज पीयूष गोयल जब केंद्रीय मंत्री है, वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर चुके थे और उनको जीत हासिल हो गई है जी। उत्तर मुंबई जो है बीजेपी का गढ़ रह गया है, उसमें से लगातार राम राई चुनकर आए थे। 2004 में गोविंदा कांग्रेस के सीट से यहाँ पर जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद लगातार ये सीट बीजेपी के खाने में चली गई थी जी। और ये बहुत बड़ी अहम बात है कि पीयूष गोयल के माता पिता जो आरएसएस से जुड़े थे, जो बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन उनका घर माटुंगा मुंबई रहा है जी। लेकिन पहली बार जो कॉर्पोरेट लेवल पर राजनीति कर रहे हैं पीयूष गोयल, वो पहली बार लोकसभा मैदान में उतर चुके और बड़ी पैमाने पर वोट हासिल करके वोट जीत चुके। ठीक है मंगला वागे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ा अपडेट आपको लोकसभा चुनाव को लेकर बता रहे हैं, जहां मुंबई में जो 1 बजे तक के मुंबई सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। साथ ही बता दें कि मुंबई उत्तर से बीजेपी की ये बड़ी जीत देखने को मिल रही है, जहां मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल ने बीजेपी की ओर से जीत दर्ज की है। वही कई लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी बढ़त के साथ आगे है। बता दें कि अनिल देसाई 21,200 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक के मुंबई सीटों के ये चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई उत्तर से बीजेपी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है।